अमृत प्रवासर अतुल भंडार भर परे ही ते पर अप्र अपार पर अपनो भावन कर मंत्र ना दूसरो धर उपत परलो एक निमखत घर आनन ही समसर उजियारो निर्मर कोट पराछत जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसर एक जी ही क्या बखन हां के बल 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 सद बलियार धनासरी माला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सदगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गाव हो गोपाल राय रहाओ बड़े भाग भेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जंका मन रप सोग अगन तिज जनन बेअप सागर तरिया साधु संगे निर्भव नाम जप हो हर रंगे पर धन दोख किछ पाप न फेरे जम जंदार न आवे नेरे तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उधरे प्रभ शरणाई तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उधरे प्रभ शरणाई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गोपाल राय जी गुण गाव हो गोपाल राय जी गुण गाव हो सत्कार योग साजी नवाजी गुरु का सुंदर रूप स्वरूप साध संगत जी गुरु के खास रूप खालसा साहेब गुरमुख माई भाई बिरध बालक सिख सेवक जो जो साहबां दे पावन पवित्र कल्याणकारी मुक्ति दाता दरबार विच एकत्र होए हो ओ सारे दे सारे मनुख जन्म दे भले वास्ते एक बार प्यार नाल आखो सतनाम फिर आखो सतनाम वाहेगुरु बंदना। गरीब नो आज गुरु की साध संगत जी गुरमुख प्यारे
सत्कार योग उदासीन महामंडल दे रुकन संत चरण दास जी ने अपने अमृत बचना नाल तुहानू कृतार्थ किया। मैं जेड़ा शब्द अज पढ़िया ये जिस दिन तो मैं इत्थे कथा कर रहा दो वारा अरदास दे बाद ये हुक्म आया। विचार बन गया पे अज इस दा विचार करो। साहिब फरमाउंदे ने बंदना नमस्कार करनी मत्था टेकना। नमस्कार करन दा मत्था टेकन दा जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच अनंत वारा आया। एक बचन ते आम पढ़ते गए ना असि दंडौत बंदन। भावे मेरे वर्गे पेंडू मैं देहाती गवार आदमी हाँ मैनू ते बाणी दी सूझ बूझ नहीं पर मैं जिन्हां महापुरशां कोल रहा वो ये फरमाउंदे सन के बेटा दंडौत बंदन। दंडौत बंदन दे माने ने दंडौत बंदन। दंडौत मैंने डंडे वांग छोटे वांग डांग वांग सीधा लम्मा पै के विचों छाल वाल दगा फरेब कपट ये गवा के ते फिर मथा टेक। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहते ने जे केवल मथा टेकन नाल कार्य सर सकदा होवे तां सिजदे किए अनेक। मुसलमान पंज वारां दिहाड़ी च नमाज पढ़दा और बड़े सिजदे करदा। एक सिजदे दा नाम है सिजदा ए क्याम। एक सिजदे दा नाम है सिजदा ए रकू। एक सिजदे दा नाम है सिजदा ए सजूद। जदों मुसलमान नमाज पढ़दा पढ़दा अपना मथा जमीन ते ला देंदा इनू सिजदा ए सजूद कहिंदे ने। गरीब नू आज साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब अकाल दे पुजारी एक गुरु गोबिंद सिंह साहब सचे पातशाह दी जात वाहद होई दुनिया दे तख्ते उते जिन्हां ने ईश्वर दी भगती वीर रस विच लिखी। जितनिया ईश्वर भगती दियां पुस्तकां ने सबका रस शांत है। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बाणी है जिस विच भगती ईश्वर की है लेकिन रस ओदा वीर है। श्री जाप साहब तुसी पढ़ते जाओ तुहाडे अंदर बदोबदी एक जोश बदोबदी एक हिम्मत जई बदोबदी एक ताकत जई नमूदार हुंदी जाएगी। जिस वेले असी गरीब नू अज दी बाणी पढ़द्या 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 ऐन अगां तुरे जाइए ते एक जगह साहब सचे पातशाह गरीब नू अज गुरु ने फरमाया सानू कागरदं काती कटारी कड़ाकं। आ जिहड़ा मैं खमूड़ा मारिया ना ये मेरा खतरे दा अलार्म है भई इधरों मैनू खतरा। तागड़दंग काती कटारी कड़ाकं तागड़दंग तीरं तुपकं तड़ाकं झगड़दंग नगड़दंग बगड़दंग बजे गागड़दंग गाजी गागड़दंग गजे सागड़दंग सूरं कागड़दंग कोपं पागड़दंग परमं राणं पावरोपं सागड़दंग शस्त्रं झगड़दंग चाड़ं बगड़दंग वीरं दगड़दंग डकार। ज्ञान प्रबोध विच पाठ हुंदा और अनंत पाठ हो। जिक्र रब दा रस वीर है। साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जिन्हां दा मैं जिक्र कर रहा सां ईश्वर दी भगती नू वीर रस विच लिखण वाले खालसे नू अकाल दे लड़ लाउण वाले आप अपनी जुबाने पाक तो फरमा रहे ने पे सिजदे किए अनेक मथे ते बड़े टेके
अरदासां ते बड़ियां कीतियां हुणे हुणे महापुरशां ने अपने पर वचन विच फरमाया सी अरदास करो बिरथी कदे ना हो वई जन की अरदास। ते मैनू एक मुसलमान दा वचन चेते आ गया पिछे बैठिया बैठिया कहिंदा खुदा कबूल फरमाता है दुआ जब दिल से होती है वो रब दी दरगाह विच मंजूर हो जाती है अरदास जेड़ी दिलों होवे। खुदा कबूल फरमाता है दुआ जब दिल से होती है मुश्किल तो ये है कि बड़ी मुश्किल से होती है अरदास हुंदी बड़ी मुश्किल है अरदास विच अरदास दा रूप बन जाना ये ते किते भाई साहब मती दीवान मती दास नू आउंदा होवेगा भाई साहब भाई दयाले नू आउंदा होवेगा ये ते भाई साहब भाई तारू सिंह और मनी सिंह साहब नू आउंदा होवेगा अरदास दी अमियत नू अकाली फूला सिंह ही जानदा होवेगा। 17 नंबर रसाला नहीं आया महाराजा ने हुक्म फेरना चाहिया पे सवेरे चढ़ाई नहीं होवेगी। अकाली जी ने पूछया महाराज अरदास कीती हुई है अरदास ते रणजीत सिंह ने कहा महाराज संसार दियां रस्मां पूरियां हो गईयां ने घोड़े उत्ते चढ़ के नंगी तलवार करके मैं सिखां नूं वंगा रहा कि जिन अगां जाके डरना वो मेरी तलवार हेठों दी ना नंगियो जिन अपनी जान दी बाजी लाउणी है ओ मेरी तलवार नू चुम के लकीरों ऐस पासे हो जाओ। सब खालसा लकीर टप गया लेकिन अपनी पोलिटिकल ताकत नू भी वेखना चाहिए। साडा चंगा लड़ाकू फातहा गयूर और गाजी अगर कोई रसाला है तो 17 नंबर है वह अजे नहीं आया जिन्ना चिर वह ना आवे चढ़ाई नहीं होवेगी। ते अकाली जी जलाल विच आ गए कहन लगे रणजीत सिंह तैनू माण होवेगा अपने रसालियां ते तैनू माण होवेगा अपने तोपखानियां ते तैनू माण होवेगा अपनी सिपाह और अपनी फौज ते अकाली फूला सिंह नू माण है साहब गुरु ग्रंथ साहब दे चरणां विच कीती होई अरदास उते मैं हमला करांगा वाहिगुरु फतेह बख्शेगा अरदास जड़ी है इहदे च विघन नहीं पाया जा सकता। जिन्हां नू अरदास करनी आ गई है उन्हां दे बेड़े पार हो गए ने। गरीब नू अज कहिंदे ने सिजदे किए अनेक मथे ते बड़े टेके जे केवल मथिया नाल ही सर जांदा होवे तां तोपची जिहड़ा तोप चलाउण वाला ना ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੋਪ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਓ ਬੜੇ ਸਿੱਜਦੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਾਂਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਠਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਠਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਉਤਾਂਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਸੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਬੜਾ ਲਿਫਦਾ ਬੜਾ ਝੁਕਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤੋਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਹਿਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਫਨਾ ਫਿਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕਿਆ ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ ਅੰਦਰ ਛਲਵਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਗਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਫਰੇਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਥਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵਸੀ ਦੋਜ਼ਖ ਸੰਦੀ ਪਾ। ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਨਿਵਾਈ ਛਲਵਲ ਦਗਾ ਫਰੇਬ ਕਪਟ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਐਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਪੋਲੋ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਂਗੂ ਐਨ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਿਜਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਦਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਇਹ ਹੁਕਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬੰਦਨ ਪਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟਪਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਨ ਹਰ ਬੰਦਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕੇਵਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕੇਵਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਸ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਵੇਂ।
एक सेकेंड तुहाडा मैं लैन लगा, आ गया शरदा दा पुतला आ गया, ध्यान मारिया अंदर, बड़ा लम्मा चौड़ा कद है, चौड़ी जी छाती है, बड़ा जौह जलाल है, अगे पिछे लोग खलोते हुए ने हाथ जोड़ के अगां वधिया, पैसे दो रखे, मथा टेकया, श्रद्धा नाल मथा टेकया, प्यार नाल मथा टेकया, जदों मथे विचों सिर चुकया ते तख्त उत्ते बैठे उन्हें पुछया, मथा टेकण वालिया तैनू की चाहिदा? महाराज अंतर जामी हो, कटकट वासी हो, दिल दियां बुझण हारे हो, मेरे को पुछ दे हो पे की चाहिदा? महाराज मैं इस करके चरण शरण आया, मैनू नदरी नदर निहाल कर दो। तख्त उत्ते बैठे उन्हें आख्या, मैं तैनू मोरां दियां दो थैलियां दे सकना, पता नहीं उन्हें किन्नी गिनती होवे ते किन्ना कोना दा वजन होवे, होणगियां सोने दियां लखपति बन जा। ते हाथ जोड़े श्रद्धालु ने गरीब नू, आज अंतर जामी जी मैनू मोह माया दे जाल च ना फसाओ, मैनू माया दी अग विच ना साड़ो, मैनू माया दे खूह विच ना धक्का दिओ, इहदे विचों ते मैं निकलना चाहुंदा। महाराज मैनू माया दियां थैलियां दी लोड़ नहीं, जरूरत है कि मैनू नदरी नदर निहाल कर दिओ। ते तख्त उत्ते बैठे हुए ने दूजी वार आख्या, पिंड दे दिने हैं 10-12, पटा लिख दिने हैं, जिमीदारा कर, खेती बाड़ी कर, फसल होवेगी, चौधरी चौधरी तैनू लोग आखणगे। महाराज मैनू संसार दी प्रभुता दी लोड़ नहीं, मैनू चुदरमे दी लोड़ नहीं, महाराज मैनू नदरी नदर निहाल कर दिओ। सच्चे दिल विचों जिस वेले तीजी वार यह शब्द निकलिया ना, ते हिंदुस्तान दे मालक दा सिर झुक गया, कहन लगा प्यारिया टपले नाल धोखे नाल भुलेखा खा के इस तंबू विच तू आ गया, मैं पिंड ते 10-12 दी बजाय 15-20 दे सकना, पर जे नदरी नदर ने हाल होना ही ना ते ओदा तंबू वाह ही, ओदा तंबू आ मेरे लागे। जिस वाले पता लगा पई जहांगीर दा तंबू है, ये हरगोबिंद साहब नहीं, चपट मार के दो पैसे फड़ ले, घा दी पंड चुक ली, ते हरगोबिंद साहब दे चरण कमलां च हाजर होके जारो कतार रो पिया, गरीब नू आज ये सिर तुहाडी अमानत सी मेरे कोल, ये सिर तुहाडे चरणा तो बिना होर किते नहीं चुक सकदा, ये सिर तुहाडी चरण छो प्राप्त करन वास्ते अमानत मैनू मिलिया, पर अज भुलेखे नाल धोखे नाल एक माया धारी दे अगे सिर मेरा झुक गया, मैं पाप कर बैठा, गरीब नू आज मैनू माफ कर दे, मैनू छिमा कर दे, हुण मैं तेरी शरण आया, मैनू नदरी नदर निहाल कर दे। कर वंदना, कर नमस्कार, पर नमस्कार कर केवल सतनाम वाहे गुरु। वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय, तन नाल ते वंदना कर, सिर ते उस मालक दे दरवटली उते चुका, ते रसना नाल गुण गाओ उस गोपाल, गो मैंने पृथ्वी, पाल मैंने पालना करना, गो मैंने इंद्रिया भी हुंदा। अजड़ा तुसी आंदे ना गो स्वामी तुलसीदास, गो स्वामी गणेश दत्त, गो मैंने इंद्रिया, इंद्रिया दा स्वामी, इंद्रिया दा मालक, इंद्रिया नू अपने काबू विच जेड़ा कर ले ओ गो स्वामी हुंदा, जिदियां इंद्रियां काबू विच नहीं आईयां गो स्वामी अखवाउण दा हकदार नहीं बनदा। गो मैंने पृथ्वी, पाल मैंने पालना करना, जेड़ा तमाम सृष्टि दी पालना करन वाला सतनाम वाहे गुरु है, ओदे गुण गा, ओदियां सिफतां गा, ओदियां वडियाईयां गा। जे तू रह रास्ता रोज पाठ करना है ना, ते तेरी रसना उते तुक आउंदी होवेगी ना, गुण ए हो, वाहिगुरु विच गुण बड़े ने, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहेब गुणी निधाना। बाणी कहंदी है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाना, बाणी हुक्म देंदी है गुण कहो हर लहो,
बाणी ये कहती है रसना गुण गोपाल निध गायन शांत सहज रहस मन उपजो। मैं रहस पाठ नहीं पढ़ना, आम सज्जन रहस पाठ करते ने, सवैयां दा पाठ करद्या करद्या तुसा कई बार ये अखर पढ़े सुने, रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपै। संस्कृत दा शुद्ध शब्द है रहस्य। रसना गुण गोपाल निध गायन शांत सहज रहस्य मन उपजो सगले दुख पलायन। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, मात गर्भ में अपन सिमरन देते तुम राखन हारे। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, मात गर्भ दुख सागर ओ प्यारे ते अपना नाम जपाया। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, कवन कवन गुण गावा तेरे, कवन कवन गुण गावा, कवन कवन गुण गावा तेरे, कवन कवन गुण गावा, कवन पाठिया। कई बार तू ये बचन पढ़िया होगा, गुण ए होर नाही कोए, इहदा अर्थ किते ए नहीं समझ लेना भाई वाहिगुरु जी तेरे विच इहो गुण आ होर कोई नहीं। जे इहदा ए अर्थ कर लिए ते जिहड़ी बाणी ए गल होका दे रही है तेरे गुण बहुत है, उहदा फिर अर्थ की करांगे। सरकार कहिंदे ने गुण ए हो, ऐ मेरे वाहिगुरु तेरे च वड्डे तों वड्डा, लासानी तो लासानी, बेनजीर तो बेनजीर, श्रोमणी तो श्रोमणी, अगर कोई गुण है तो वो ए है, गुण ए हो, होर ना ही कोई, के तेरे वर्गा होर कोई नहीं, तेरे सदर्श होर कोई नहीं, तेरे समान होर कोई नहीं। अगली तुक पढ़ो अर्थ किड्डा साफ है, गुण ए हो, होर ना ही कोए, ना को होआ ना को होए, पिछे तेरे वर्गा होया कोई नहीं, ऐस वेले तेरे वर्गा है कोई नहीं, अगे तेरे वर्गा होना किने नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने ऐ मेरे वाहिगुरु तुद जे वड शरीक होए तां आखिए, जे ते तेरे वर्गा तेरे समान तेरे सदर्श कोई दूजा होए ते फिर ते कह सकिए ना भई आ वड्डा ते आ निक्का, पर है कोई नहीं। तुद जे वड शरीक होए तां आखिए, तुद जे वड तू है होई, ऐ मेरे वाहिगुरु तू अपने जिड्डा वड्डा आप ही है, अपने वर्गा तू आप ही है। एक मैं बचन पढ़िया साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृतमय बाणी विचों, हजूर कहिंदे ने गुण एहो होर नाही कोए, तुद जे वड शरीक होए तां आखिए, तुद जे वड तू है, ऐ मेरे वाहिगुरु जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजे, तेरा प्रमाण तेरा दृष्टांत किदे नाल दईए, तेरी मिसाल किदे नाल दईए, जैसा तू आप है ऐसा तू आप ही है, तेरे वर्गा होर कोई नहीं, जिदे वर्गा होर है कोई नहीं। उस बेनजीर वाहिगुरु दे गुण इस रचना नाल गाउणे, ए साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्म है। गोपाल राय जी गुण गावो, गोपाल राय जी गुण गावो, गोपाल राय।
ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਧਿਆਨ ਧਰਿਓ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ। ਤੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸੇਜਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਬਾਪੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਵਾਹਣ ਵਿੱਚ ਲੇਟਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਂ। ਬਾਪੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ, ਸੇਜਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਤੇ ਸੁਖ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵੀਹ ਪੰਜਾਹ ਸੌ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੁਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਣ। ਧਿਆਨ ਧਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜੇ ਪਏ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਮੇ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਕਤਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਵਕਤਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਆਖੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਮੇ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਭਈ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੁੰਦਰ ਸਹਿਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਅਨੇਕ ਸੁਖ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ, ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸੁੱਖ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਉੱਤਮ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਪਿਓ ਬੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖੇ ਪੁੱਤ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਪਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਬੜਾ ਸੁਖੀਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਸਮਝੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਾਤਲ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਕੌਮੂਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਕੌਮੂਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ 57 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ ਖੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਪੁੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਗੰਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੇ ਹੋਣ ਪਰਾਏ ਹੋਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੰਦੀ ਟੋਕਵੀਂ ਰੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਆਖਣਾ ਮਿੰਦਰਾ ਤੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਲੱਭੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪੇ, ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਾਇਆਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਪਿਆਰ, ਓਪਰਿਆਂ ਨਾਲ ਐਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਰ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਦਰੋਹ ਆਪਣੇ ਸਿਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਖੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਰੋਹ ਆਪਣੇ ਸਿਉਂ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਖੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ
के करते सदा दुष्ट गुणगान। खोटे पुत्र का तीसरा लक्षण है, तीसरी निशानी है, दुष्टां दे गुण गाउणे, शराबियां दे गुण गाउणे, डकैतां दे गुण गाउणे, कामी पुरशां दे गुण गाउणे। तरबनाल जदों जाईदा ना गंडा सिंह दे घर, सुरैणिया बकरा वड्या हुंदा, बोतल खुली होई हुंदी है, तरबनाल रंग लगे ने, ओ 100 रुपए दे नोट नूं ते ओ पित्तल पिप्पल दे पत्ते वांगू समझदा। बड़े गुण गाउंदा उन्होंने, बड़ी उपमा करदा उन्होंने, दुष्टां दे गुण गाउंदा, जिमी असमान दे कलाबे मिला दिंदा। खोटा पुत्र करते सदा दुष्ट गुणगान। ते चौथी निशानी यह है खोटे पुत्र दी, गुरु जन की निंदा कर हंस दे। अपने गुरु की निंदा करनी, ओदे च औगुण लभने, ओदे ते चिक्कड़ सुटना, ओदे ते नुक्ताचीनी करनी, ते फिर हसना खिड़खड़ा के मैं एडा स्याणा हो गया, मैं गुरु विच भी गलती लभ लई। मैं खास तौर ते काकियां बच्चियां नाल एक गल करनी चाहना, काके नूं ते सारे चंगा आखदे ने ना, अपने बच्चे नूं ते बांदरी बड़ा प्यार करदी है। जे बांदरी दा बच्चा मर जाए ते जिन्ना चिर दूजा बच्चा ओदे घर ना जम पै, मोए होए बच्चे दियां हड्डियां वो अपने कलेजे नाल ला के फिर दिया, मोए होए बच्चे दियां हड्डियां नहीं परां सुटदी। अपने बच्चे दा की है, बांदरी भी प्यार करदी है। एवें ही ना कि अपने मुंडे नूं देवता देवता आखदी रही। मेरियां 4 गल्लां वल ध्यान रखी, जे ते उन्हां गल्लां च मुंडा पूरा नित्र आवे ते मुंडा देवता। पहली गल ए भई अपने मुंडे दी संगत वेखी किन्ना नाल है। जे वकीलां कोल बहिंदा, जे डाक्टरां कोल बहिंदा, जे मकैनिकां कोल बहिंदा, जे इंजीनियरां कोल बहिंदा, ते समझी मुंडा देवता। ते जे मुंडा सारा दिन रहिंदा ही बटेर बाजां लागे, जे मुंडा सारा दिन 52 पत्ते ताश दे अपनी जेब चों गवाउंदा ही नहीं, ते एवें मुंडे ते तिड़ी ना फिरी। दूजी गल मेरी चेते रखी, जेड़े कमरे में बह के मुंडा पढ़ता है उस कमरे वल ध्यान मारी। जे अर्जन साहब की तस्वीर है, गुरु गोबिंद सिंह साहब की तस्वीर है, सहदेव ते नकुल की तस्वीर है, शिवाजी मरहटा की तस्वीर है, बाबे दीप सिंह की तस्वीर है, जे तेरे पुत्र दे कमरे च, ते समझी पुत्र दे ख्याल बड़े शुद्ध ने। ते जे बजयंती माला तो लैके लता मंगेशर तक सारा रिकॉर्ड तेरे ही मुंडे ने कट्ठा किया अपनी बैठक में, तेनू कि देवता ना समझ पी, एवें विश ना जाई, एवें कि रीझ ना कर पी कि मुंडा बड़ा चंगा। मेरी तीजी गल चेते रखी, जेड़े टेबल दे उत्ते मुंडे दियां किताबां पईयां ने उन्हां नूं चंगी तरह विचारी। जे ते महात्मा गोखले दा लिखिया होया गीता रहस्य है, जे श्रीमान बाबा बुद्ध सिंह साहब की लिखी हुई पुस्तक उहदी टेबल ते मौजूद है, जे श्रीमान भाई वीर सिंह साहब का किया होया टीका तेरे मुंडे दे टेबल ते मौजूद है, समझी मुंडा देवता। ते जे तेरे मुंडे ने चंद्रकांता दा नावल 24 ऐसे कट्ठे करके तमाम अपने टेबल ते रखिया होया, ते दुआई रब दी कि मुंडे नूं देवता ना समझ बैठ। मेरी चौथी गल वल ध्यान दई, 54 दे दई, लै काका दई लिया, ते मुंडे वल ध्यान रखी। जे ते अखियां मीट के सीधा दही वाली दुकान ते जाके दही लैके ऐन सीधा घर आ जाए ते मुंडा देवता। ते जे दही वाली दुकान तक जांदिया किसे दे लतां च सोटी अड़ा, किसे दी जुटी इधर सुट, किसे दी फटी उधर कर, किसे दी टोपी ला, किसे नू 4 मार, किसे कोलो 4 खा के 54 गुआ के घर आवड़े, दवाई रब दी पुत्र नू किते देवता ना समझ बैठे। पुत्र देखो, पू मैंने नरक, तर मैंने तारना। पुत्र दे माने ये ने जेड़ा अपने पिता पितामा वड्डियां वडेरियां नू नरकां विचों तार के पार कर दे, उहनू कहिंदे ने पुत्र। ते जिस पुत्र दी जमानत वास्ते प्यो सवेरे उठदियां सार पहला जमानत ही लभे, पै काके दी जमानत दे के लियाउणा, दवाई रब दी उस पुत्र नू देवता ना समझ। मैं उस महापुरुष दे बचन पढ़े ने, कहिंदा पर स्यों प्रेम द्रोह अपने स्यों, करते सदा दुष्ट गुणगान, गुरु जन की निंदा कर हंसते, आपस को कहते गुणवान। तो फिर लिखदा लिखदा कपुत्र दियां निशानियां दुखी होके कहिंदा हे ब्रह्मा,
हम विनती कर हो सुन हो देकर कान भाई कभी कपूत किसी को मत दे चाहे कर दे निरसंतान। हे ब्रह्मा मैं अर्ध करना कोई निपुता रह जाए कोई अंतरा रह जाए कोई बेओलादा रह जाए ते वीवरा रह जाए पर किसे नु कपुत्र पुत्र ना दई किसे नु खोटा पुत्र ना दई। मैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने जो बचन करना ना ते साहब कहंदे ने विधवा जह कुल पूत न ज्ञान बिचारी विधवा कस न भई महदारी। किसे कुल विच काके ने जम के जे वाहिगुरु दे ज्ञान नू नहीं बिचारिया ते महाराज कहंदे ने उस काके दे जमण तो पहला उस काके दा प्यो क्यों ना मर गया ओदी मां विधवा क्यों ना हो गई। प्यो मर जांदा मां विधवा हो जांदी ये बेवकूफ नलायक जमदा ही ना। जे कुल पूत न ज्ञान बिचारी विधवा कस ना भई महतारी। जे नर राम भगत न सादी जन्मत कस न मोयो अपराधी। जिसने वाहिगुरु की भगती नहीं की वो जमदा ही क्यों ना मर गया वो जीवन का लाभ ही की सी। पुत्र का आग्ञाकारी होना बाप के हुक्म नू सिर नीवा करके मन लेना यह बड़िया वड्डिया भागा नाल प्राप्त हुंदा। देखो ध्यान करो साहब सच्चे पातशाह का बचन सुन के जो मैनू अनुभव होया मैं वो अर्ज कर रहा। पर स्यों प्रेम द्रोह अपने स्यों आग्ञाकारी पुत्र होए। साहब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज कहंदे ने सुंदर सहजी अनेक सुख रस भोगण पूरे। राजनीति वाले कहंदे ने अनेक सुखां दे मसले नू सामने रख के भाई जे पुत्र मिल जाए आग्ञाकार ते पहला सुख मिल गया ते दूजा सुख चुनिया राजनीति वालियां भाई जेड़ी लड़ लगी है ना जेड़ी जिंदगी दी साथन बनी है ना जिदे नाल चार पुआंटनियां लै लईयां ने ना ओ मिठा बोलण वाली होवे ओदी गुफ्तगू शीरी होवे ओदी बोल चाल मधुर होवे आदमी सारे दिन दा बारों थका मंदा हुटिया हक्या होया आवे साह चढ़िया होया होवे भुख लगी हुई होवे प्यास नाल मूंह सुकदा जांदा होवे जिस वेले घर विच चरण पावे ते घरवाली दा एक बचन कन्ना च पहुंचे सारे दिन दा थकेवा भुल जाए सारे दिन दी भुख मिट जाए सारे दिन दियां मुसीबतां उत्ते पानी फिर जाए ऐसी जिंदगी दी साथन मिलनी ये भी वड्डियां भागां नाल ही है ये भी मेवा बड़ा उत्तम है। भांडे ते सारियां घरां विच खड़कदे ही ने ना लूआ फूका ते सारियां घरां च हो ही रहे ना कोई वसदा रसदा कर तुहानू विरला ही मिलेगा। ते तीजा सुख राजनीति वालियां ए चुनिया भाई ताने अपना कारोबार वास्ते ताने अपना होवे पावे थोड़ा ते पावे बहुता सूद उत्ते रकम लैके कम ना कीता होया होवे। ते चौथा सुख है सुन चुनिया भाई मन में थोड़ा बहुता संतोष भी हो मैनू अपने पिता दे पिता दा पता उन्हां दा नाम सरदार साधु सिंह सी वाही करदे सन जे कोई यार आ जाना ना सौनी दी फसल ते झोने मां मोठ दी फसल ते सुना भाई साधु सिंह कोई झोना कोई जवार कोई मक्की कोई बाजरा होया कि नहीं की दसिया भरा पिछली हाड़ी दी फसल हैगी सी चार मन दाने गुजारा करने सौनी ते होई नहीं ते जे अगां हाड़ी दी फसल आई है घर विच लैण दी कोई यार मिलन आया सुना भाई साधु सिंह कोई चने कोई कणक हो गई कहिंदा कुछ ना पूछ पिछली हाड़ी दी सौनी दी फसल दे चार मन दाने आ गए सी गुजारा पै करने हाड़ी दा ते होया पिछली फसल दा ही ध्यान करना मौजूदा फसल दा जिक्र ही ना करना ये भी ना शुकरापन मन में कोई संतोष भी होना। जदों माया तारी नू जदों सियासी आदमी नू चार सुख मिल जाए ताने अपना होवे पुत्र आज्ञाकारी होवे स्त्री मिठ बोली होवे मन में संतोष होवे ते फिर मुछां नू ता देंदा सियासी आदमी कहिंदा आज्ञाकारी पुत्र होए अर मिठ बोली नार धन अपनो संतोष मन ये चार स्वर्ग संसार ये चारे चीजां संसार विच स्वर्ग हैं।
गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह नाल गल्लां करो कि मेरा बापू कहिंदा ओए माया धारिया और राजनीति वालिया मन ला तेरे मन च संतोष आ तन तेरा अपना इस्त्री मिठ बोली है पुत्र तेरा आज्ञाकारी चार सुख तेरे कोल हैगे ने पर तेरे मेदे विच कोई खराबी है मेदे विच कोई बीमारी है तू अन्न खाना पचदा नहीं अन्न पचया ही निकल जांदा खून पैदा नहीं हुंदा सेहत डाउन हुंदी जांदी है जे पंजवां सुख मेदे दी दुरुस्ती तेरे कोल नहीं ते तू स्वर्गी कहदा तू ते नरकी है। गुरु अर्जन साहब महाराज कहिंदे ने जे तेरे कोल दिमाग दी दुरुस्ती नहीं तेरे दिमाग विच कोई फतूर है तेरे दिमाग विच कोई बीमारी है तेनू रात नू नींद नहीं आउंदी ओना चिर तू सौ नहीं सकदा जिन्ना चिर तेनू इंजेक्शन ना दिता जाए टीका ना लाया जाए जे तेरे कोल छेवां सुख दिमाग दी दुरुस्ती है नहीं ते ओना चौं सुखां दे हुंदिया तू स्वर्गी कोई नहीं तू नरकी है। मेरा बापा कहिंदा भरा गिनती दी कोई नहीं आज्ञाकारी पुत्र होए धन अपनो संतोष मन सुंदर सहज अनेक सुख। महाराज कहिंदे ने सेजा तेरी सुंदर होवे ते सुख होण तेनू अनेक जेड़े गिने ही ना जान। तीसरी आइटम लखा मैं तुहाडे अगे रखण सुंदर सहज अनेक सुख रस भोगण पूरे ते तेरे घर विच खाण पीण भोगण पुंचण वास्ते रस भी पूरे होण रस। आम तौर ते नौ रस गिने ने श्री राग महला पहला विच श्री नानक निरंकारी ने भी रस नौ ही गिने ने लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार पर निंदा परमल मुख सुद्धी अग्र क्रोध अग्न क्रोध चंडाल गिणद्या 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 साहब सच्चा पातशाह कहिंदे ने रस सोना रस रूपा कमण रस परमल तनवास रस सेजा रस घोड़े मंदिर रस मिठा रस मास नौ रस ने पूरे रस सोना रस रूपा कामण जेड़ा सोना है ये रस है जेड़ी चांदी है ये रस है ते जेड़ी कामण मैंने इस्त्री है ये रस है रस सोना रस रूपा कामण ते रस परमल की वास। चौथा चौथा रस आप अपने बदन दे उते खुशबूदार चीजा मलदे रहना काया नू मुलायम जे बनाउंदे रहना ये खस है ये हिना है ये इतरे गुलाब है ये इतरे चमेली है ये इतरे मोतिया है ये नाइटे हांगकांग है ये कनौज दा इतर है ऐसियां चीजां अपने बदन दे उत्ते मलदे रहना काया दे सवारन शिंगारन विच ही रहना जेड़े सवार शिंगार विच इस वेले दे कुड़ियां मुंडे रुड़ गए गर्क हो गए निकलिया नहीं जांदा उन्हां कोलों एक चौथा रस है रस सोना रस रूपा कामण रस रस परमल की वास रस घोड़े। पंजवां रस है घोड़िया दे ऐब सुआब वेखणे कदे घोड़िया दे सौदागर लागे बैठे हो कहिंदे ने सौदागर घोड़ा खरीदण चलिया सी उदास जिहा हो गया ते काकी ने पुछया पिता की गल है अज बड़ा चिंता तुर है। कहण लगा बेटी घोड़े खरीदण चलिया कि माड़ा घोड़ा ना खरीदया जाए रकम ना रुड़ जाए ते लड़की ने कदे पढ़िया होया सी अश्वनामा वो कहण लगी पिता चार चौड़े चार सौड़े दो मोटे दो छोटे एक लम्मा एक तंग पिता जी घोड़ा लियो निशंग। एक घोड़े दा गुणे उगणे चार चौड़े सुंभ चार चौड़े होने चाहिए ने घोड़े दे चार सौड़े सुंभ तो उतां जिदा साडा गिटा ते अड्डी गिटे ते अड्डी दे दरमियान जेड़ा थोड़ा जिहा थां इहनू गामची कहिंदे ने चार गामचियां घोड़े दियां छोटियां होनियां चाहीदियां ने गामची लम्मी होवे ते घोड़ा ठेडा खा के डिग पैंदा चार चौड़े चार सौड़े दो मोटे दो छोटे अखां दो घोड़े दियां मोटियां होण कनौतरियां घोड़े दियां छोटियां होण एक लम्मा एक तंग धौण लम्मी होवे ते पुठा छोटा गोल और मजबूत होवे पिता जी घोड़ा लियो निसंग एदे विच कोई औगुण नहीं।
जिन्हां लोगों ने असवनावा पढ़िया उन्होंने पता होगा पतली लम्मी कम चरी कम चाली कम कोस नारी पंजे गुण है घोड़ी पंजे दोष। घोड़िया के गुणे अवगुण वेखने भी एक पंजवा रस है उन्होंने पैर पूंज पूंज के वेखने कितने नौंदरा ना हो उदे पैर परत परत के वेखने कितने पेवा ना होवे वाल पेवा ना होवे उदे नौ ठकोर ठकोर के वेखने कितने गूआ ना होवे उदा मथा साफ कर करके वेखना तारा ना होवे दुगाड़ा ना होवे उदा मूँह पट पट के वेखना कितने तालू ना होवे उदी छाती साफ कर करके वेखनी कितने वागा ना हो रासा ना हो सौंकना ना हो उदे गोडे टो टो के वेखने कितने हड्डे मूत्रे ना हो उदी कमर टो टो के वेखनी कितने बेल हड्डी ना होवे उदे रंग परखने कुल्ला है शादानू कुल्ला है कमैद है पक्का कमैद है नीला कमैद है उदियां चालां परखणियां दुड़की किवें चलदा रवाल किवें चलदा सूट किवें चलदा शुद्र किवें चलदा पटड़ी किवें लगदा घोड़े दे गुणे औगुण वेखणे इह पंजवां रस है। रस सोना रस रूपा कमण रस परमल तनवास रस कोड़े रस सेजा मंदर ते सेजा दे सिंगार विच पै जाना एडा उच्चा पलंग होवे एडा मोटा पावा होवे एडी मोटी बाई होवे एहो जी रजाई एहो जी तलाई एहो जा सराहना एहो जी चादर ये भी सतवां रस है। रस सेजा रस घोड़े मंदिर भोग खाना अज रस मलाई खानी है अज गुलाब जामनू खाने ने अज रस गुल्ले खाने ने अज जलेब खाने ने अज मोती चूर दे लड्डू खाने ने अज शक्कर पारे खाने ने ऊ सानू नाम बड़े आउंदे ने तुसी सानू पुछो गहने दे किन्ने क नाम ने दसांगे छल्ला है छाप है कंगन है चनकंगन है बाजू बंद है दौनी है टिक्का है चूड़ी है घड़ी चूड़ी है ते की मैं सारे पाए हुए ने सानू नाम बड़े आउंदे ने असी कंठ कीते होंदे ना इह तुहाडे कोल दस दिंदे आ रस से जा रस घोड़े मंदिर रस मिठा रस मास अज तितर खाना अज पटिटर खाना अज हरियर खाना अज रेऊ मच्छी खानी है अज सिंगाड़ा मच्छी खानी है अज डमरा मच्छी खानी है अज पल्ला खाना सिंध दे इलाके दा अज मीट दो प्याजा खाना अज रोगन जोश खाना अज युवा आप जोश खाना अज कीमा खाना अज कोफ्ते खाने अज निरिया चांपा बनाउणियां ने ये भी भरा एक रस है। हुण बाबे दी बाणी पढ़ो साहब कहिंदे ने रस सोना रस रूपा कमण रस रस परमल की वास रस घोड़े रस सेजा मंदर रस मिठा रस मास एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। जेड़ी काया नू इन्ने रस लगे हुए ने जेड़ी काया इन रसा विच फसी हुई है उस काया दे घट मैंने हिरदे विच नाम का निवास कै कै मैंने कैसे कै मैंने किस तरह उदे हिरदे च नाम किदां वस जाए उदे अंदर नाम किवें टिक जाए वो नाम का पुजारी किवें बन जाए। नाम का पुजारी तो उदों बनया जाएगा जदों दुनिया के रस फिके लगन गए वाहगुरु के नाम का रस मिठा लगेगा। ऐसा जुड़े ऐसा जुड़े ऐसा जुड़े तृप्ता ने आख्या पुत मेरे सुखा लदे पुत मैं गुआढ़ा वल वेखनी हाँ रोटी तो अपनी माँ लड़ते ने माँ तू मैनू चूरी कुट के नहीं देंदी मां तू विच शक्कर पा के नहीं देंदी मां तू मैनू मक्खन नहीं खवालदी मां तू मैनू मलाई वाला दुध नहीं पियालदी मां मैनू तू बदाम मैनू तू पिस्ता मैनू तू सौगी वगैरह नहीं खवालदी मैं लड़दे वेख वेखनी हां नानका लोकां दे बच्चे पर पुत्रा तू सारा दिन चौकड़ी मार के बैठा रहना मैं सदके जावां तेरे तो माला तेरे हथ विच हुंदी है तू कदे जिले पै के मेरे कोलों खाण लई कुछ ना मंगिया नानका तू कदे कपड़ियां वास्ते जिद ना कीती नानका मेरी एक रीज ना तेरे वल्लों एहो जिही पूरी होई जुबान तेरी हिलदी रहनी है रहिंदी है
पुत्रा तू की खाना, मेरे सुखा लदे नानका तेनू कादा आधार है। ते जिस चीज का श्री नानक निरंकारी नू आधार है ना, उस दा जिक्र पंजवें जामे विच आके अर्जुन देव नाम रखवा के कीता है। नाम मिले ता जीवा नानक, नाम मिले ता जीवा, नाम मिले ता जीवा नानक, नाम मिले ता जीवा, नाम मिले सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाए। ओ हर मार्ग आप चलदा होर नानू हर मार्ग पाए। जे अगे तीर्थ होवे ता मल लह, छप्पड़ नाते सगवी मल लाए। तीर्थ पूरा सदगुरु जो अन दिन हर हर नाम ते आए। नाम मिले ता जीवा नानक, नाम मिले ता जीवा, नाम मिले ता जीवा नानक, नाम मिले ता जीवा, नाम मिले ता सारे। गरीब नो आज साहब सच्चा पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे ने, सतगुर ते जो मुंह फिरे तिन्ना ठौर न ठाओ, नानक अन दिन विलपते जो सुंजे कर कहो। जिन्हां नु भुल जाए नाम, जिन्हां नु भुल जाए सतगुरु, जिन्हां नु भुल जाए साध संगत, जिन्हां नु भुल जाए नेकी परोपकार, उन्हां नूं आदमियां विच नहीं गिणिया। गुरमत ने वाहिगुरु कृपा करे सिखा तेरे अंदर वसदा रहे, टिकया रहे सतनाम वाहिगुरु। दूजी तुक मैं लगा पढ़, सुंदर सहज अनेक सुख रस भोगण पूरे ग्रह सोयन। तुसी सीमेंट दे घरां च भावें रिझ जाओ रुझ जाओ, तुसी भावें सरिये उरिये पा के ते लेंटर पा लो, बाबा अर्जन साहब तो यह गल नहीं कहता। बाबा तो कहता सिखा तेरा घर सोने का होवे, ग्रह सोए, तेरा घर सोने का होवे, सोने दियां कंधां, सोने दी छत, सोने का फर्श, विच जड़े होण हीरे मोती, ग्रह सोए, तेरा घर सोने का होवे। ते चंदन सुगंध तेरे सोने दे घर विच, चन्नन दी खुशबू 24 घंटे महकदी रहे। तेरे घर विच कोई आवड़े उन्हूं लपटा आउण, ग्रह सोएन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। तेरे सोने दे घर दियां कंधां विच, छत विच, फर्श विच मोती लाए हुए होण, हीरे लाए हुए होण, नीलम ते पुखराज जड़े हुए होण। तू रात नूं चिराग बाले, तू रात नूं दीवा बाले, तेरा घर जगमग जगमग करे। भुल जाए लोगों जन्नत, भुल जाए लोगों स्वर्ग, भुल जाए लोगों जनकपुरी, भुल जाए लोगों इंद्रपुरी, एडा घर तेरा सोहना होवे। बाबू की दात वेखो बख्श की है अपने दर आया। ग्रह सोएन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख मान दा किछ नाए वसूरे। ते सोने दे घर विच बैठा होया तू ओने सुख मानदा होवे, ओने जिन्ने तेरे मन की इच्छा, जिन्ने सुख तेरे मन की ख्वाहिश, जिन्ने सुखां दी तेरे मन नू भुख है, ओने सुख तू सोने दे घर विच बह के मानदा होवे। मन इच्छे सुख मानदा किछ नाए विसूरे। सिखा फिर तेरे तन नू तेरी काया नू कोई दुख दर्द फोड़ा फिणसी रोग कुछ ना होवे। काया तेरी कंचन वर्गी तंदुरुस्त नौ बर नौ होवे,
तेनू किसे गल दा घाटा ना होए, तेनू किसे गल दी भुख ना होए। तीन तुकां मैं पढ़िया, चौथी तुक मैं लगा पढ़। हजूर कहंदे ले सुंदर सहज अनेक सुख रस भोगण पूरे ग्रे सोएन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किच नाए विसूरे सो प्रभ चित ना आवई विष्टा के कीरे। इना कुछ अपने वाहगुरु कोलों पाके जे तेनू नहीं चेते आया सतनाम वाहगुरु ते अपने आप नू बंदा ना समझी, अपने आप नू मनुख ना समझी, अपने आप नू अशरूफुल मखलूकात ना समझी, अपने आप नू 84 लख जून दा बादशाह ना समझी, सगों ये समझी मैं विष्टे दा कीड़ा, मैं पैखाने दा एक कीड़ा, मैं गंदगी दा एक कीड़ा हाँ, क्योंकि मैनू भुल गया है मेरा जन्मदाता सतनाम वाहिगुरु। मन इच्छे सुख मानदा किछ नाए विसूरे सो प्रभ चित ना आवई विष्टा के कीरे। बिन हर नाम ना शांत होए कित बिद मन धीरे। नाम तो बिना शांति नहीं आनी, चैन नहीं आना, सबर नहीं आना, प्यास नहीं बुझनी, तृप्ति नहीं होनी। नाम तो बिना तेरिया आसा नहीं पूरिया होनिया। नाम अंदर वस जाए एन तृप्त हो जाएगा। उदे वाले इशारा करके मेरा बापू कहिंदा गोपाल राय जी गुण गावो गोपाल राय जी गुण गावो सिखो। महापुरशो धन गुरु रामदास की गोद विच बह के आनंद मानण वाले हो, मेरियो बचियो। वाहगुरु तुहानू भाग लावे, दीन दुनिया दे सुख बख्शे। मैं तुहाडे सामने एक बचन लगा कहण। बाहरों आया काले कपड़े, हथ विच तस्बी, अखां च सरूर, चेहरा चमकदा। जिस वेले वेड़े विच आके चरण पाए खड़ाक होया ते अंदर बैठी हुई लड़ लगी, अंदर बैठी हुई सी जिंदगी दी साथन। उन्हें अपने आप नू सांभिया, उन्हें अपने आप नू कज्जिया। दुख नाल पैना कहना पैगा ऐस वेले दी लड़की, ऐस वेले दी बीबी, ऐस वेले दी राणी अपने आप नू कज्जदी नहीं, अपने आप नू सांभदी नहीं। दोस्तों मैं एक निक्की जी अर्ज करन लगा, गुस्सा ना कर पियो। सोना उदों ही चंगा लगता जदों हरे जे कागज विच वलेटिया होया अलमारी च रखिया होवे। जे सोना बाजार विच डिग पे ये 1400 आदमी नू बेईमान करदा। काकी बची एक सोना है, ये ते लपेटी हुई, ये ते टकी हुई, ये ते कज्जिया होया सोना ही शोभा पाउंदा। सोना नंगा हो जाए ना अपना धर्म रह जांदा, ना लोकां दा धर्म रह जांदा। अंदर बैठी हुई ने अपने आप नू कज्जिया, अपने आप नू सांभिया, ते बड़ी श्रद्धा भगती नाल बाहर निकली। वेड़े च खलोता होया सी शौहर, वेड़े च खलोता होया सी सिरदा साईं सुहाग पाग, जिन्हां नू सुहाग पाग प्यारा कदे उन्हां नाल गल करियो। गुआंढण ने आख्या नी तू ते अपने पति नू पखा झलदी रहिनी है, तू ते बूहे च खलो खलो के अपने पति दा राह वेखदी रहनी है, अखां उहदे राह च विछा देनी है। पर जिस वेले रात नू तेरा पति आउंदा पग लथी होई हुंदी है, मार खादी होई हुंदी है, कपड़े पाटे होए हुंदे ने, हालों बेहाल होया होया हुंदा, ये की गल होई ने। तो सी पतिव्रता देवी अपने पति नू परमेश्वर जान के पूजण वाली, वो कहण लगी नी मेरी गुआंढण भैणे आम फले परिवार स्यों। जदों अंब नू फल लगदा ना परिवार दे सहत लगदा,
दरखत का परिवार हुंदा पत्ते, अंब नूं पत्तियां दे शहद फल लगदा, पत्ते मौजूद हुंदे ने शाखां टाणियां नाल ते उहनूं फल लगदा। आम फले परिवार स्यों ते महू फले पत खोए, जिहड़ा महुए दा दरख्त है ना, जदों उहनूं फल लगना होवे पत्ते टुट जांदे ने, चढ़ जांदे ने, टाणियां उहदियां एवें डुच जिहा रह जांदियां ने, उह मरूम हुंदा वी जो कोई अग नाल साड़िया होया दरख्त, फिर उहनूं महुए नूं फल लगदा। गोया दरख्त की पत है पत्ते, दरख्त की पग है पत्ते, अंब नूं ते पत सहत फल लगदा, ते जदों महुए नूं फल लगना होवे उदों उहदे पत्ते झड़ जांदे ने, पत्ते किर जांदे ने, शाखा रंडियां हो जांदियां ने, दरख्त उजड़ जांदा, फिर उहनूं फल लगदा। ते पतिव्रता देवी ने गुआंढण नूं आखिया, पैणे आम फले परिवार स्यों महू फले पत खोए, जदों महुए नूं फल लगना उहदी पत ही नाश हो जांदी है, पग ही उहदी लै जांदी है, पत्ते ही उहदे झड़ जांदे ने, ते तां को रस साजन पीए। जिहड़ा मेरा पति है उस महुए की बनी हुई शराब पींदा, रज के रात नूं आउंदा, मार कुट खा के आउंदा, तां को रस साजन पीए, माण कहां से होए। ये उस दरखत का रस पींदा जिन्हें अपनी पग पहला ला ली हुई है, इहदी भला सिर ते कौन रहण दे। शराबी खबाबी मार खा के रात नूं घरे आ वड़दा, मैं सारी रात मुठियां भरदी रहनी, अगले दिन फिर इहदा ओहो हाल है। पतिव्रता स्त्री पति दी पुजारन है। मैं हिंदी साहित्य जदों पढ़िया उहदे च इक जिक्र आया, पतिव्रता पत ही को भजे, आन ना अवर सुहाए। पतिव्रता स्त्री अपने पति का सिमरन कर दिए, कोजा होवे, कुचजा होवे, ठेंगणा होवे, मदरा होवे, उन्हूं अपने सिर का सुहाग पाग साई जान दिए। पतिव्रता पत ही को भजे, आन ना अवर सुहाए, से बच्चा अति लंघना तऊ घास ना खाए। शेर का पुत वीहां दिनां दा भुखा होवे मित्रा, घास नहीं खांदा, जदों खांदा मास ही खांदा। पतिव्रता स्त्री वीहां दिनां दी भुखी होवे, उहदे लागे कोई सोने दा थाल पाल के लिया के रख दे, दूजा पति तो बिना उहदे ते थुकदी भी नहीं, उहदे वल दृष्टि नहीं पाउंदी, उह ते अपने पति दी कमाई रुखी सुखी खा के अपना जीवन गुजारदी। पतिव्रता स्त्री अंदरों निकली, गल पल्ला पाया, वेड़े विच खलोते हुए पति नूं मत्था टेकिया, वेड़े च खलोते हुए पति दी कदम बोसी कीती, वेड़े विच खलोते हुए पति नूं आदर सत्कार नाल प्रणाम कीती, सिजदे विचों सिर चुकिया, चार चफेरे ध्यान मार के वेख्या ते पति देव कल्ले सन, इन्हां दे नाल होर कोई नहीं सी। मत्था टेकण वाली दी खान्यों गई, मत्था टेकण वाली नूं चार चफेरे हनेरा ही हनेरा नजर आया, मत्था टेकण वाली दियां लत्तां कंबियां, मत्था टेकण वाली दा सीना धड़किया, प्यार विच आके कहण लगी, मेरे शौहर, मेरी इज्जत आबरू दे मालक, मेरे पति देव, मैं तुहानूं जाण लग्या कल्लिआं नूं नहीं सी भेजिआ, मैं तुहानूं तनहा नहीं सी भेजिआ, मैं तुहाडी केवल वाहद हस्ती नहीं सी घरों तोरी, पीर जी तुसी जांदिआं होइआ मेरे जिगर दे टोटे, मेरियां आंदरां दीआं बोटियां, मेरियां अखां दी लो, मेरी जिंद जान मेरे काके नाल लै के गए साओ, कल्ले ते नहीं साओ गए। पीर जी अज घर आउण लगे कल्ले आ गए हो, तनहा आ गए हो, अकेले वेड़े विच आ गए हो, वो मेरे सुखां लद्दे किथे जे, वो मेरे चानण मुनारे किथे जे, जिन्हां नूं मैं दुखां वायदियां दर्दां नाल जन्म दिता, जिन्हां नूं मैं जवानी कोल कोल के दुध बना के प्याल दिती। मैं एक बजुर्ग दा बचन पढ़िया, कहिंदा दो लफ्जों में पौशीदा कुल मेरी कहानी है, एक लफ्ज बढ़ापा है, एक लफ्ज जवानी है, ये आलम फानी भी क्या खूब जमाना है, अंजाम बढ़ापा है, आगाज जवानी है, इस आलम फानी की जो चीज है वो फानी है, 100 दिन का बढ़ापा है, 2 दिन की जवानी है।
पर दो दिनों की जवानी उत्ते माण करने वाला मुंडा उस बाजार चो कला नहीं लंघ सकता जेड़े बाजार चो दी चार ट्रक लंघ जान मोढ़ियां तों दी थुकदा खंघ ना लगी होए बदोबदी ला लैंदा पई लोकी मेरे वल वेखण बाजार च तुरिया तुरिया जांदा बदोबदी बनावटी खंघू बन जा ए लगी होई ते नहीं ए लाई होई है पई लोकां नूं पता लग जाए मुंडा जा रहा जवानी कल वेला आलम है पाई जी सिर ते चुन्नी नहीं खलोंदी हासा कन्ना विचों दी निकलदा दूजे नूं टिच गया समझने असीं पर जेड़ी मां ने जवानी बनाई है ना अपना दुध बना के जवानी दुध बना के जोबन अपना दुध बना के अपना रंग रूप दुध बना के अपने सुखां लद्दे तो वार अपने सुखां लद्दे तो कुर्बान कर दिता पीर जी वो मेरे बच्चे कित्थे जे मेरे चौदहवीं रात दे चंद्रमा कदे डोबते नहीं आए इस करमा सड़ी मां वास्ते चार चफेरे हनेरे दा जाल पसार के ते नहीं आ गए पीर जी वो मेरे शिखर दोपहरां दे चमकदे सूरज सदा वास्ते डोब के मेरे वास्ते काली बोली रात पा के ते नहीं आ गए मेरे बच्चियां उते कोई पहाड़ा ते नहीं वरत गया मेरी जिंदगी दे बगीचे विच बहार दी थां किते पत झड़ ते नहीं आ गई मेरी जिंदगी किते बेरौनकी फिक्की बेरसी ते नहीं हो गई वो किथे छड आयो जिन्हां नूं नाल लैके उंगलियां फड़ा के गए सौ अपनी बीवी दे बचन अपनी पत्नी दे बचन पीर जी सुनदे रहे तकरीर खत्म होई ते पीर ने ट्रमे नाल आख्या नसीरा तू भागां वाली मां है तेरे पुत्र अकाल सेना च भर्ती हो गए गुरु गोबिंद सिंह साहब की फौज विच भर्ती हो गए दुश्मन नाल लड़े सीना तान के लड़े जवान मर्दां की तरह लड़े गाजियां की तरह लड़े गयूर लोकां की तरह लड़े फतहा लोकां की तरह लड़े सारे दुश्मन दे वार सीने च चले तेरे पुत्रां ने कारां ते बुजदलां वांगू उन्होंने एक वार भी कंड विच नहीं चलिया ते आखिर वो लड़दे लड़दे शहीद हो गए नसीरा शहीदी पा गए गुरु गोबिंद सिंह साहब ने प्यार मंडल विच आके उन्होंने शहीदी पदवी दे दिती वो शहीदां दी हंसां दी डार विच रल गए तू भागां वाली है तेरे पुत्र गुरु गोबिंद सिंह साहब ने नवाज दिते ते नसीरा ने जिंदगी जिड़ा लम्मा होका भर के आख्या पीर जी किसे झूठे राजे दी फौज विच भर्ती होके लड़के मरदे खिलतां मिलदियां जागीरां मिलदियां बड़े इनामों इकराम मिलदे गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं दीन दुनिया दा राजा कहिंदे ने ओदी अकाल सेना विच रल के शहीद होण वाले मेरे पुत्रां दे शहीद हो जाण दे बाद कोई इनाम मिलिया ही गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कुछ दिता ही जे दिता तो मैनू विखा दे मैं अपने पुत्रां दी याद विच मिलिया होया इनाम वेख के अपने कलेजे नूं ठंड पा लां ते पीर जी ने रुमालां दे पर्दियां विचों सहजे सहजे पर्दे खोल 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 के एक कंघा कढ़िया जिदे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सरे मुबारक दे चार छे केस दंदियां च फसे हुए सन नसीरां नूं विखालिया नसीरां गुरु गोबिंद सिंह साहब ने तेरे पुत्रां दियां जड़ां पताल लाउण वास्ते उन्हां दी याद विच अपना कंघा सने केसां दे मैनू बख्श दिता जिस वेले नसीरा ने सुनिया कंघा बख्शिया सने केसां सिर नीवा कर लिया धरती ते बह गई गोडियां च लैके सिर होका मार के आख्या पीर जी मेरे हीरियां वर्गे पुत्र कुर्बान करके की लिया है वो पैसे दा कंघा की लियांदा जे आ केस जिन्हां दा मुल कच्ची कौंडी नहीं गुरु गोबिंद सिंह ने बाहर सुट देने जाने थे जिस वेले केसां नूं आख्या ना कच्ची कौड़ी मुल नहीं जिस वेले कंघे नूं आख्या ना नसीरा ने पैसा इहदा मुल ते पीर बुद्धू शाह दे नेत्र भरे आए कहण लगे नसीरा तू पुत्र जमे तेरियां पुत्रां ने शहीदी पाई पर अफसोस तैनू मां बनना ना आया
तलम ला गई, क्यों नहीं मां बनना आया? मेरा दुध पीण वाले ने बुजदिली की, कायर बने, जान बचा के मैदान जंग चो नठाए? नहीं नसीरा, वो ते बड़े बहादुरां दी तरह लड़े। तदे ते गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सने केसां दे कंगा दिता पे, वो बहादुर सन, वो जवान मर्द गाजी सन। फिर मैनू मां बनना क्यों नहीं आया? ते पीर दी शरदा दे मंडल विच आ गए, नसीरा किसे मां नू मेरा अल्लाह बख्शे काका, ओदी उम्र हो जाए 4 वरियां, ते मां फिर उन्हूं निके निके चोले पाउंदी है सिउं सिउं के, मां उन्हूं गेंद लिया दिंदी है खेडण वास्ते, मां उन्हूं छणकणा लिया दिंदी है खेडण वास्ते। नसीरा पुत्र दी उम्र थोड़ी सी, वो 5वें वरे मर गया, 4 अपने चोले, 1 अपनी गेंद, 1 अपना छणकणा अपनी मां कोल निशानियां छड के मर गया। ते जिस वेले मोए होए नूं वरा हो गया ना नसीरा, उस काके दी मां ने कपड़े सुकने पाउने सन, खेस रजाइयां दरियां तलाइयां चादरां सब कुछ सुकने पाया, मालक दे सूट निकले ट्रंक विचों संदूक विचों सुकने पाए, हथ मारद्या मारद्या संदूक दी हेठली तह विचों वरे दे मोए होए काके दे 4 चोले मां दे हथ विच आ गए। नसीरा लोकां दे भाणे मां दे हथ विच चोले सन, लेकिन मां नूं उन्हां चोलियां दे टंकियां विचों चोलियां दे धागियां विचों चोलियां दी निक्की जिही जेब विचों परले पासे अपना पुत खेडदा नजर आ रहा सी। चोलियां नूं वेखदिआं सारे उन्हूं पुत्र दा हसना, पुत्र दा रोना, पुत्र दा सौना, पुत्र दा जागना, पुत्र दा जिद करना, पुत्र दा मन पैना, यह सारा कुछ चेते आ गया नसीरा। दूजी बार संदूक च हथ पाया, पुत्र दे खेडण वाली गेंद हथ विच आ गई, ध्यान पुत्र नाल जुड़ गया, उंगलां ढिलियां हो गईयां, गेंद पुंजे डिग पई, पोली हवा भरी हुई उतां नूं उछली, फिर डिगी, फिर उतां उछली। लोकां दे पाणे गेंद उछलदी सी, पर नसीरा मां समझदी सी मेरे पुत्र दी छाती विच निका जिहा दिल पिया छाला मारदा, ये मेरे बच्चे दे दिल दियां छाला ने। तीजी वार संदूक च हथ पाया, पुत्र दे खेडण वाला छणकणा हथ विच आ गया, कलाई कंब गई, छणकणे दे रोड़ छणके। नसीरा लोकां दे पाणे छणकणे दे रोड़ छणकदे सन, लेकिन मां समझदी सी मेरे पुत्र दे निके जे मूंह विच ओदी तोतली जिही जुबान गल्लां करदी है, मेरे पुत्र दी तोतली जिही जुबान एवें अटपटे जे बचन बोल रही है। नसीरा जिवें छणकणे दी आवाज विचों मां नूं पुत्र दीआं गल्लां सुणदीआं ने, जिवें गेंद दीआं छालां विचों मां नूं अपने पुत्र दे दिल दीआं छालां पासदीआं ने, जिवें कुड़ते दीआं तारां विचों मां नूं अपने मोए होए पुत्र दे दर्शन हो जांदे ने। नसीरा जिस वेले मैं गुरु गोबिंद सिंह दा दित्ता होया कंघा अपने नेत्रां दे सामने रखना, इहदे दंदियां दे परले पासे मैनू गुरु गोबिंद सिंह साहब दे दीदार हो जांदे। नसीरा इन्हां वालां इन्हां केसां विचों मैनू गुरु गोबिंद सिंह साहब दी चमकदी हुई कलगी चमकदी हुई जगह नजर आ जांदी है। नसीरा इह ते गुरु गोबिंद सिंह साहब दा आपा है, इह ते उहदी होंद है, जिन्ना चिर तेरे खानदान विच रहेगी तेरे पुत्रां दे नां उत्ते गुरु का दूला पंथ तेरे मोए होए पुत्रां दी पूजा करदा रहेगा। गुरु क्या सिखा जिस वेले तेरे अंदर कोई वस जाए, तैनू मां बनना आ जाए, तू ज्ञानवान हो जाए, तैनू ज्ञान पुत्र जम पे, अंदर तेरे चानना हो जाए, तैनू यकीन हो जाए, तेरी जबानों बेसाख्ता निकल जाएगा, बंदनार बंदना गुण गावो गोपाल राय, तैनू यकीन हो जाएगा, तू श्रद्धा विच आ जाएगा, तू भगती विच आ जाएगा, तैनू पता लग जाएगा मेरे मालक वर्गा दुनिया दे तख्ते उते होर कोई नहीं, वो वाहद है, वो दयालु है, वो महापुरुष है, वो दे लड़ लगिया ही मेरा पार उतारा हो सकता है। बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय,
वड़े पाग भेटे गुरुदेव, पाग सुलखने होण ते प्रकाश रूप गुरु दा मिलाप हो जाए। कोट पराध मिटे हर सेवा, गुरु ला दे वाहगुरु दे सेवा वाहगुरु दे सिमरन विच, ते सिमरन करद्या करद्या करोड़ा अपराध मिट जाणगे, करोड़ा अपराध। लख मड़िया कर एकठ एक रत्ती ले भाहे, मन वसंदड़ो सच सौ नानक हब्बे दुखड़े उलाहे। जिस तरह लखां मणां दीआं लकड़ियां एक रती जिनी अग नाल सड़के सुआह हो जांदियां ने, लखां पाप वाहिगुरु दे सिमरन नाल सड़के सुआह हो जांदे ने। वड़े पाग भेटे गुरदेवा, कोट पराध मिटे हर सेवा, चरण कमल जां का मन रापा। जे गुरु के सिख दा मन चरण कमला नाल रंगया गया, एक मिक हो गया, रच मिच गया, सोग अगन तिज जन न व्यापै। ऐसे गुरु के सिख सेवक नु सोग दी अग, हौकियां दी अग, हावियां दी अग, चिंता दी अग नहीं व्यापेगी। सोग अगन तिज जन न व्यापै, सागर तरिया साधु संगे। ऐसा गुरु का सिख जड़ा वो साधु है, ओदी संगत विच रह के संसार समुंदर तरिया जा सकता है। निर्भव नाम जपो हर रंगे, ऐसे महापुरुषां दी संगत रहो, हरि परमात्मा दे रंग प्रेम विच रहो, ते उस निर्भव निरंकार दा नाम जपो, नाम सिमरो। निर्भव नाम जपो हर रंगे, पर धन दोख किछ पाप न फेड़े। पराए धन नूं बेईमानी दी नजर नाल ना वेखे, पर धन दोख दूषण कोई ना करे, पाप ना फेड़े, पापां दे फेड़ ना फेड़े। जे तिन्हां गल्लां कोलों बच जाए, पर धन दोख किच पाप ना फेड़े, जम जिंदार ना आवे नेड़े। जेड़े जम धर्म राजा दे सिपाही ने, वो ऐसे सिख दे नेड़े ही नहीं आ सकते। जम जिंदार ना आवे नेड़े, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई। जिन्हों नाम वाल जोड़ दिता, वो तृष्णा की अग हरि परमात्मा ने आप ही बुझा दिती, तृष्णा के जाल चो आप ही कढ़ लिया, तृष्णा के भांबड़ चो आप ही कढ़ लिया। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, वो जी प्रभ सिरणाई, नानक उधरे प्रभ सिरणाई, नानक उधरे प्रभ सिरणाई। साध संगत जी गुरुद्वारे दे दानियां प्रबंधकां सुचज्जियां प्रबंधकां ने मैनूं इह प्रसन्नता होई कि तुहाडी गिणती रोज बरोज वधदी रही, काकियां बच्चियां दी की तुहाडी की वधदी रही। मेरियां अज दियां अनंत भुल्लां मेरियां जाण के मैनूं माफ कर देणियां, बचन गुरु का जाण के अंदर वसाउणा, ताकि मेरा तुहाडा समा सफल हो जाए। असी अंत वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब दे दरबार विच मुख उजला लैके जा सकीए। वाहिगुरु सारयां दे मन नूं शांति बख्शे, सारयां दे कारज सफले करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।